हेलो फ्रेंड्स, तो देखिएगा आज हम आपको बताने वाले हैं लड्डू गोपाल जी के लिए ड्रेस। तो हम ये 0 नंबर लड्डू गोपाल जी के लिए बनाएंगे और इसे बनाने के लिए हमने 3 कलर की ऊन ले ली है। हमारा पिंक कलर है, ब्लू कलर है और येलो कलर है, और 9 नंबर की हमने सिलाई ली है। तो फ्रेंड्स, आप अपनी पसंद का कोई भी कलर ले लीजिएगा और ऊन जो आपको पसंद हो, मोटी पतली, आप उस अकॉर्डिंग से ऊन ले लीजिए और ऊन के अकॉर्डिंग ही आप सिलाई को यूज करिएगा। अगर मोटी ऊन हो तो मोटी कम नंबर की सिलाई, और पतली ऊन हो तो ज़्यादा नंबर की सिलाई। तो देखिएगा, ये हम बनाएंगे 0 नंबर के लिए, और एक बहुत ही इजी तरीके का और एक सुंदर सा ये लड्डू गोपाल जी के लिए पोशाक। देखिए, और इसे बनाने के लिए हमने इसमें 26 फंदे डाल लिए हैं। तो देखिएगा, फंदे हमने सिंगल धागे से डाले हैं और सादा ही डाले हैं। और ये हमारी पहली सिलाई है, इसको हम इस तरीके से उल्टा उल्टा बनाएंगे। तो इसे बनाने के लिए हम ये 4 सिलाई बना लेते हैं। तो देखिएगा, 4 सिलाई बनाएंगे हम दोनों तरफ से उल्टी उल्टी, तो ये बॉर्डर बन जाएगा हमारा। तो देख, 3 कलर से हम ये सुंदर सी पोशाक बना के आपको बताएंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। कमेंट्स करके ज़रूर बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। तो देखिएगा, इस तरीके से हम ये 4 सिलाई बना लेते हैं। तो देखिएगा, इसके हमने टोटल 4 सिलाई बना ली हैं, 2 उल्टे तरफ से और 2 सीधे तरफ से। तो हम उल्टे तरफ हैं तो उल्टे तरफ से अब हम लगाएंगे ये। पिंक कलर को देखिए, पहले हम ब्लू को बनाएंगे। इसको हम बना लेते हैं उल्टा उल्टा सिलाई, देखिएगा इस तरीके से, क्योंकि हमने उल्टी तरफ से इसको जोड़ा है। और एक सिलाई हम सीधे तरफ से इसकी बना लेंगे, सीधी सीधी और उल्टे तरफ से उल्टी उल्टी। तो 2 सिलाई बना लेते हैं दोनों तरफ से। तो देखिएगा, हमने एक सिलाई उल्टी और एक सीधी बना ली है ब्लू कलर से। अब पहला फंदा हम उतारते हैं और यहाँ पे हम ये एक दूसरा फंदा बना लिया। अब देखिएगा, हम ये तीसरा फंदा बनाते हैं। तो इसको पीछे की साइड बनाएंगे, तो ऐसे करेंगे सिलाई को, देखिएगा आगे को निकालेंगे थोड़ी, इस तरीके से लपेटेंगे इसको, 12 बार लपेट लेंगे, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12। देखिए, 12वीं बार के जो धागा है इसको हम ऐसे सिलाई के अंदर से इस तरीके से लाते हुए इसको निकाल लेते हैं इस तरीके से। तो देखिएगा, अब हम 2 फंदे बनाएंगे, 1 बनाया और 2 बनाया, धागा पीछे किया और तीसरे फंदे को इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12वें फंदे को इस तरीके से हम निकालते हुए इसको हमने बना लिया। देखिएगा, हम फिर से बताते हैं, हमारे खुल गया धागा इस तरीके से, इसे 12 बार लपेट लेंगे इसको। देखिए, 12 बार हमने इसको लपेट लिया है और इसको इस तरीके से बुनते हुए निकाल लेंगे। हमने निकाल लिया है ये डिजाइन, हमारा सीधी तरफ बनेगा और इसको इस तरीके से खींचते हुए और ऐसे हम दूसरे फंदे को बनाएंगे इस तरीके से। धागा आगे किया,
दो फंदे बनाएंगे, एक और ये दो, फिर धागा पीछे किया, फिर इस फंदे को फिर 12 बार लपेटेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12वें फंदे को इस तरीके से लपेटते हुए, और ये हमारी सिलाई थोड़ी मोटी हो गई है ये आगे से, इसलिए हमारा धागा निकल जाता है इस तरीके से, देखिएगा। और इसको खींचेंगे इस तरीके से, खींचते हुए इसको, और ऐसे खींचेंगे ऐसे इस तरीके से। दूसरा फंदा बनाएंगे इस तरीके से, और फिर दो धागे दो फंदे बनाएंगे, एक दो उल्टे उल्टे, इस तरीके से हम ये पूरा डिज़ाइन देखिएगा बना लेते हैं, आपको फिर दिखाते हैं। तो देखिएगा हमने ये पूरी सिलाई बना ली है इस तरीके से डिज़ाइन डालते हुए। तो अब हम एक सिलाई फिर से सीधी बना लेते हैं ये इस तरीके से, ये इस तरीके से। तो देखिएगा फ्रेंड्स, ये हमने दो सिलाई में एक उल्टी तरफ और एक सीधी तरफ ये बना ली है येलो की। इसे बनाने के बाद में तो देखिएगा, अब हमने फिर क्रीम कलर को बना लिया उल्टी तरफ से और एक सिलाई सीधी तरफ से। तो दो सिलाई इसकी सॉरी पिंक कलर की हमने बना ली है। तो अब हम पहला फंदा उतारेंगे, फिर से डिजाइन डालेंगे इसमें, दूसरा फंदा बनाया, धागा पीछे किया, और देखिएगा इस फंदे को सीधा बनाया क्योंकि डिजाइन पीछे की साइड आएगा। 3 बार लपेटा, 4 5 6 7 8 9 10 11 और एक बार में धागे को इस तरीके से लाएंगे सिलाई में, इसको इस तरीके से बना लेंगे। तो देखिएगा इसको हम आराम आराम से इस तरीके से इसको खींचेंगे, ये इस तरीके से, फिर ऐसे खींचेंगे, फिर ऐसे खींचेंगे, देखिएगा। और इसको अब हम पीछे की साइड ही इस तरीके से बना देंगे, धागा आगे किया, अब दो फंदे बनाएंगे, एक और ये दो, और फिर धागा पीछे करेंगे, फिर तीसरे फंदे को फिर इसी तरीके से 12 बार लपेट लेंगे इस तरीके से, देखिएगा हमने 12 बार इसको लपेट लिया है। और फिर इसको हम इस तरीके से बनाते हुए निकाल लेंगे, और देखिएगा इसको हम आसानी से धीरे धीरे इस तरीके से करेंगे, फिर खींचेंगे इस तरीके से, और इसको हम बना लेंगे इस तरीके से पीछे की साइड एक फंदा, और दो फंदे सीधे उल्टे उल्टे बनाएंगे। तो इस तरीके से हम ये पूरा डिज़ाइन बना लेते हैं। तो देखिएगा फ्रेंड्स, ये हमने दो डिज़ाइन डाल लिए इस तरीके से। तो अब हम इसमें फंदे हटाएंगे, पहला फंदा हम उतारेंगे, धागा अपनी तरफ किया, एक फंदा हटाया और एक फंदा बनाया हमने बीच में, और एक और बनाया, दो फंदे बीच में बना लिए और दो का एक कर दिया, दो फंदे बीच में बनाए और ये दो का एक करा क्योंकि हमें 0 नंबर लड्डू गोपाल जी के लिए बनाना है। घेरा तो आप कम ज़्यादा भी बना सकते हो, और चोली के लिए तो फंदे साइज के हिसाब से ही रखे जाएंगे। तो देखिए इस तरीके से ये हमने पूरी सिलाई को बना लिया। अब उल्टे तरफ से हम इसको उल्टा उल्टा बना लेते हैं सभी फंदों को। पहली सिलाई हमारी बन गई है, अब दूसरी सिलाई पे हम इसको घटाएंगे। देखिएगा पहला फंदा हमने उतारा, धागा अपनी तरफ किया, ये दो फंदों को एक किया, ये सभी फंदों को हम दो का एक इस तरीके से बनाते हुए चले जाएंगे। देखिएगा इस तरीके,
बना लिया सभी फंदों को दो का एक दो का एक, और उल्टे तरफ से हम इसको उल्टा उल्टा बना लेते हैं। देखिएगा तो हमारे यहाँ पे 10 फंदे बचे हुए हैं, 2, 4, 6, 8, 10, तो हम 4 बनाएंगे, 2 एक साइड, 4 एक साइड। तो पहला फंदा उतारा और ये 1, 2, 3, और पहला फंदा हमारा उतारा हुआ था, तो ये हमारे 4 फंदे हो गए हैं। यहाँ पर देखिएगा एक फंदे को खोलेंगे और ये हम 2 का 1 इधर से कर देंगे यहाँ पे इस तरीके से, और यहाँ पे भी हम ये जब 5 फंदे दूसरा ये बनाएंगे तो यहाँ पे भी हम ये 2 का 1 कर देंगे। तो देखिएगा और हमारा गला यहाँ पे घट गया है, और इसको हम यहीं से वापस हो गए हैं, और इसको इस तरीके से ये उल्टा उल्टा बना लेते हैं इस तरीके से। ये इस तरीके से ये इस तरीके से हमें छोटा ही बनाना है नेक। तो देखिए हमारी ये 2 सिलाई बन गई गला घटाने के बाद में। तो हम यहीं से इसको कट कर देंगे क्योंकि हमें गला छोटा ही बनाना, ज़्यादा बड़ा नहीं बनाना इस तरीके से। अब देखिएगा दूसरी साइड से बनाएंगे इसको, और ये इस तरीके से ये इस तरीके से यहाँ पर हमने 2 का 1 कर दिया, और ये 4 फंदे को भी हम यहाँ पीछे कर देंगे इसको धागे को इसको हम बना लेते हैं इस तरीके से। तो इसके भी हम 2 सिलाई बना लेते हैं, टोटल 4 सिलाई दूसरी साइड से भी। तो देखिएगा हमारे यहाँ पे 2-2 सिलाई हमने दोनों साइड बना दी हैं। तो नेक हम छोटा ही बनाएंगे क्योंकि 0 से बनाना हमें 1 नंबर तक के लिए। तो अब हम ये सभी फंदों को एक साथ बना लेते हैं इस तरीके से। फिर सभी फंदों को हमने बना लिया है। अब हम सीधे तरफ में हमने यहाँ पे फंदा घटाया था दोनों साइड। तो देखिएगा पहला फंदा तारा, और ये 4 फंदे हमारे इधर वाले हो जाएंगे इधर वाले। अब देखिएगा या तो आप यहाँ पे पहले फंदे पे ये देखिएगा एक फंदा हमने यहाँ पे घटाया था, तो यहाँ पे हमने बढ़ा लिया धागा आगे किया। अब देखिएगा एक फंदा हमने इधर से बढ़ाया था, घटाया था इधर वाले फंदे पे, तो इधर वाले से हम बना लेंगे। तो दोनों साइड से हमने फंदा बढ़ा लिया है, और उल्टी तरफ से हम इसको उल्टा उल्टा बना लेते हैं इस तरीके से। नेक आ जाएगा बन के देखिएगा। और दूसरी सिलाई पे हमने 2 फंदों का 1 करा था, तो यहाँ पर हम पहला फंदा उतारेंगे। देखिएगा एक बार बनाया और ये दूसरी बार बनाया, क्योंकि हमने 2 फंदों को 1 साथ घटाया था, तो इसलिए हम अब 1 फंदे का 2 फंदा यहाँ पे बढ़ा लेते हैं दूसरी सिलाई पे इस तरीके से सभी फंदों को, और उल्टी तरफ से हम इसको उल्टा उल्टा बना लेंगे। तो देखिएगा अब हमने 2 सिलाई फंदे घटाए थे, 2 पे बढ़ा लिए। तीसरी सिलाई पर जो हमने स्टार्टिंग में घटाए थे 2 फंदा बन के, तीसरे फंदे को हमने 2 का 1 किया था, तो अब हम सेम उसी तरीके से देखिए बढ़ाएंगे इसमें। एक ये हमारे 2 फंदे हो गए, एक उतारा एक ये, अब हम तीसरा फंदा है इस पर देखिएगा एक बार से बनाएंगे आगे की साइड और दूसरी साइड इस तरीके से। फिर धागा अपनी तरफ किया, फिर 2 फंदे बनाए 1, 2, और तीसरे फंदे को एक बार बनाया और ये 2 बार बन इस तरीके से हम ये फंदे को बढ़ा लेते हैं, और उल्टी तरफ से हम इसको उल्टा उल्टा बना लेंगे।
तो देखिएगा हमारे इधर 26 फंदे थे यहाँ पे, तो हमने भी यहाँ पे 26 फंदे हमारे पूरे हो गए। 3 सिलाइयों पर हमने घटाए थे, 3 पर हमने बढ़ा लिए हैं। अब हमने फिर ये लगा लिया है पिंक कलर। तो देखिएगा जैसे हमने इधर डिजाइन डाला है सेम तरीके से इधर भी हम उल्टे तरफ भी सेम तरीके से डिजाइन डाल लेंगे। तो जैसे हमने आगे का पार्ट बनाया है बिल्कुल सेम तरीके से हम पीछे का ये पार्ट भी बना के कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो देखिएगा फ्रेंड्स ये हमारी लड्डू गोपाल जी की ड्रेस बनके कंप्लीट हो गई है। जैसे हमारे ये पीछे का पार्ट है सेम आगे का पार्ट भी हमने ऐसे ही बनाया है। तो देखिएगा काफ़ी सुंदर लग रही है और बहुत ही इजी ये इस तरीके से आ जाएगी लड्डू गोपाल जी को। आप बांधने के लिए यहाँ कुछ बनाना चाहो तो यहाँ बना सकते हो, और डोरी डालना चाहो तो इसमें डोरी भी डाल सकते हो। तो देखिएगा बहुत ही जल्द बहुत ही आसान है, और देखिए कम समय में बनके भी तैयार हो चुकी है। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स करके ज़रूर बताइए कि आपके लड्डू गोपाल जी की ड्रेस कैसी लगी। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।